जी भैया नाराज हो क्या? खड़े हो जाओ भाई भाई जी। देखिए ये इन लोग का कुछ मुद्दा है नहीं। अच्छा इन लोग के पास मुद्दा नहीं है न विकास, जो विकास का मेन मुद्दा है विकास का। ये तो तमाम सारी बातें उठा रहे हैं, सारी बातें इनकी जो है फॉल्स है। अभी आप देख लीजिए इन किस पार्टी से है, इनके पास में राबड़ी जी, लालू जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा भारती, एक सौ से गिनाएंगे तो पर भी कमी नहीं होगी। नाउ 40 सेकेंड लोजपा के। सबसे पहले वैशाली की धरती पर लोकतंत्र के आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब यह जो धरती है रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि, या जो सड़क बगल में देख रहे हैं 10 फीट का था, एक तरफ से लोग जाता था तो लाल झंडा दिखा के रोका जाता था, फिर दूसरे तरफ आता था गाड़ी रुकी हुई है, या ट्रेन है रेलवे लाइन सोनपुर और हाजीपुर स्टेशन पर इंतजार था। से रामविलास पासवान जी ने शुरू किया, हाजीपुर स्टेशन जो डिबरी वाला स्टेशन था, आप देखिए 10 स्टेशन में लड़ा रहा है, 20 स्तर पर वह स्टेशन है। भैया बोलो। तो बतारा मंत्री थे लालू जी के, सत्ता की वजह से ये सब हुआ है जो भी काम हुआ है, और रामविलास जी ने अपने जीते जी अपने भाई को यहाँ सत्ता सौंपा था कि चिराग पासवान जी हेलीकॉप्टर से आएंगे और हेलीकॉप्टर पे उड़ते हुए चले जाएंगे, जो यहाँ का लोकल उम्मीदवार होगा वो हमारा राष्ट्रीय जनता दल का शिवचंद्र राम है और वो सुख दुख में रहने वाले हैं। धर्मवीर शुक्ला जी 40 सेकेंड आपके। भैया जी आपने विषय चलाया, कहीं से विषय को लोग ले गए रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान पर। आज विषय रामविलास जी और चिराग पासवान नहीं है, आज देश की अखंडता समृद्धता और देश में जो भाईचारा है वो विषय होना चाहिए। हम उस विषय पर बात करना चाहते हैं। आज सुई से रफाल की बात लोग करते हैं, निश्चित रूप से यह देश बाबा साहेब के सिद्धांतों से चलेगा, न कि यह देश नागपुर के संविधान से चलेगा। यह देश को चलाने के लिए जो हमारा संविधान बना है, बाबा साहेब ने जो नौ अक्षर में लिखा है, हम उसको माने कि नागपुर को माने। निश्चित रूप से रफाल से लेकर सब कुछ बना। आज लोग राहुल गांधी के संस्कार पे बात करता है, जिसका नाना प्रधानमंत्री, जिसकी दादी प्रधानमंत्री, जिसका बाप प्रधानमंत्री, उसके बेटा के टी शर्ट और पैंट पर सवाल उठाया जाता है। जी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में पूछा आप कर रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने वह करके दिखलाया। जब हम बच्चा थे तो राशन लेने जाते थे तो राशन दुकान पे लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता था, आज घर घर राशन दुकानदार जाके लोगों को खोज के अंगूठा लगवाने का काम किया मोदी जी ने। लोग कहा 15 लाख आया कि नहीं, मेरे खाते में 25 लाख आया। अरे पाजी मिल गए। हम तो पूरा देश घूम आए, कोई कहता ही नहीं था। आपको 25 लाख मिले? बिल्कुल 25 लाख मिला खाते में। बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा नाम नितेश कुमार है। बताइए 25 लाख कैसे? 25 मैं भाजी आप बीच में नहीं बोलेंगे। 25 लाख किस तरह मिला कि मेरे परिवार में 5 परिवार है, 5-5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का मोदी जी ने काम किया, 25 लाख मुझे मिले, जो आज तक कोई सरकार किसी गरीब के बारे में नहीं सोचा था कि उसका इलाज कैसे होगा। 25 लाख हो गए? 25 लाख मिला। यार तुमने तो उनको समझा दिया पहाड़ा। ये मैं सोचता था मैं बहुत काबिल आदमी हूं, हैं? मैं बताऊं जब मैं बिहार आ रहा हूं, भैया ऐसे बुलाते हो जैसे हम तुम्हारे यार हैं, वैसे यहां पे मैंने बेवफा चाय पी है। आपको पीनी है क्या? आपको पीनी है क्या बेवफा? चलो भाजी आपको बावफा और बेवफा का फर्क बताते हैं, इसी हाजीपुर में आपको बेवफा चाय पिलाते हैं। बेवफा चाय वाला भाजी, दो शब्द हैं, एक बावफा एक है बेवफा। भाई साहब ये बावफा क्या है या बेवफा है? नमस्ते। बेवफा चाय क्यों है? ये बेवफा चाय है कि इनके दो लड़के हैं, वो शायद कहीं प्यार में धोखा खाए थे और उन्हें नौकरी में ऐसा पेपर लीक के कारण उन्हें नौकरी नहीं लगी थी, जिस कारण से वो सरकार बेवफा और एक मेरा प्यार बेवफा, ऐसे करके उन्होंने बेरोजगारी की दिशा में एक ऐसा ही स्वरोजगार की के तहत ही इन्होंने बेवफा चाय वाला चला। प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 10 रुपये में, प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपये की। वाह 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 क्या बात है जी। नमस्ते। बच्चे लोग बेवफा रख दिए चाहे क्योंकि लड़की उसको कोई धोखा दे दी और अभी से उनको कैसे बेवफा कह दें।
अभी से उनको बेवफा कैसे कह दें, बात मंजिलों की है बीच में कैसे कह दें। यहाँ पे मोहब्बत मिली नहीं आपको लग रही है। ये देखा आपने बेवफा, टीवी पे सुन रहे थे आपका। आदर्श भारती जी ने बेवफा चाय यहाँ खोली है, तो YouTube भी खोले हुए हैं। तो पाजी आपको जब भी कभी मौका लग जाए हाजीपुर आने का तो केला तो जरूर खाइए यहाँ का, ये बेवफा चाय भी जरूर पीजिए आप पाजी। लेकिन आप बेवफा ना होना, आप बावफा रहना जी। आपके 40 सेकंड। आज जो इस देश का दो धारा में भारत है, एक जो हमारे पूर्व में, जो आज जिसको हम लोग पूरे स्टैंड पेपर आपने देखा होगा, यही घमंडिया गठबंधन के नेता लोग आज से पूर्व ईवीएम बंद करने के लिए ये बिल पूरा उल्टा सीधा बोल रहे थे कि ईवीएम से घोटाला हो सकता है। जब तक मेरे हाथ में माइक रहेगा INDIA ए ही निकलेगा, वो बोलना चाहे बोले, लेकिन मैं उसको अपने मेरे प्रोग्राम में NDA है और INDIA है। बिल्कुल सही है, सही चलना है बिल्कुल। मौसम राजनीति का है, यहाँ सांसद चुनने का है। नहीं नहीं, इस समय मौसम तो गुरु फसल काटने का है। गेहूं पक के तैयार है और लाओ हसुआ, काट काट घर ले जाओ, खाचा खत खाचा खत और ले जाओ बस अपनी घर में जाके भरो। इस समय तो गेहूं के तैयार है बिल्कुल। क्या वो समझ 48,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनवा दिए नितिन गडकरी जी, इनको ये समझ में नहीं है। 362 जो है मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, इनको ये समझ में नहीं है। 74 एयरपोर्ट बनवा दिए, इनको ये समझ में नहीं है। रामविलास पासवान की धरती पर बैठे हुए हैं, जिस धरती पर क्या नहीं दिए रामविलास पासवान जी, क्या दिए इनको ये समझ में नहीं है। इनको समझ में सिर्फ विरोध है। हाजीपुर में बस एक महीना के बाद बरसात होगा तो 77 से जब वो मंत्री रहे हैं दिख जाएगा कि हाजीपुर में उन्होंने क्या किया है। एक भी नाला, एक भी सीवरेज आज तक नहीं बना। यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चे, स्कूल जाने वाले महिलाएं, जो हॉस्पिटल जाने वाले, आज तक कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ जल जमाव नहीं होता है। जब उन्होंने इलेक्शन जीता था उनके एजेंडा में था कि हाजीपुर शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर बनाऊंगा, लेकिन डिबिया में जलने वाला ये शहर आज भी पानी में डूबा रहता है। बस दो महीना बाद बरसात होगा तो यहाँ पे गंडक का नदी का पानी और बरसात दोनों बराबर होगा जी, दोनों हो रहा। बाए, 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 नहीं तुम नहीं बोलोगे, तुम बोल चुके हो। रुको, हाजीपुर में जो है ना, यहाँ से कई एक बार बीजेपी का विधायक रहा, आज गृह मंत्री है, लेकिन जिस समय जब बारिश आएगा ना तो ये कमर और पानी में डूबेगा लोग। विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, नगर परिषद सभापति बीजेपी का, लेकिन हाजीपुर नर्क से भी पूरा हाल है। हमारे विधायक सांसद सब कुछ भाजपा से है। आप बगल के शौचालय है, आप गांधी चौक पर जाते हैं, महिला जो है हमारी आती है टेम्पो स्टैंड में उतरते, शर्म की बात है। आपके लिए शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारी बहन बेटी आती है टेम्पो स्टैंड में उतरती है, आज तक बाथरूम का व्यवस्था नहीं हुआ। भैया इनका कहना है कि शौचालय नहीं बना हुआ है, इनसे पूछिए कि राजेंद्र चौक पर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, गांधी चौक पर बना हुआ या नहीं बना हुआ है, टेम्पो सब जगह बना, और घर घर शौचालय मोदी जी ने बनवाया है, घर घर शौचालय बनवाया है। जो नगर परिषद हाजीपुर को लूटा वो अपना पार्टी बदल करके और कांग्रेस में चला गया। बिहार का मुख्यमंत्री जी लगातार 15 साल में विकास कर रहे हैं, बाकी ये बात बता रहे हैं, मेरा ऐसा मुख्यमंत्री जी है जो लगातार पलटी मार करके 9 बार गए हैं और 10वां बार भी पलटी मारेंगे। तुमने बोला था बस पलटी मारने में, पलटी मारने में। देखे भाई, बात तो वो कह रहा है, सवाल तो उसने दमदार पूछा है। उनके पास में कोई दम ना, हमसे ना पूछिए, किसी से कम ना सर। सर रामविलास पासवान क्यों साथ हो जाते हैं, खामियां उनमें हैं, खामियां नहीं है, पलटी वो खाते हैं, हम लोग तो पलटी नहीं, हम लोग तो साथ रहते हैं। हम तो मोहब्बत की दुकान है, तुम ही बेवफा हो जाते हो। जी अब दुनिया में नहीं, इतने दिन उनको भरी लोग तो देश की संविधान समझ रहे हैं, रामविलास जी का नाम लेकर के कितने दर्जनों कांग्रेस
के जो 10 साल से मंत्रिमंडल एक भी आरोप नहीं लगा है और दर्जनों आरोपी बोलने देना इनको, बढ़िया बोलते हैं ये। हाँ 17 साल बनाम 17 महीना पर बोलेंगे ये। अच्छा पहले ही बता दिए हैं क्या बोलेंगे, गजब है, आप प्रचार कर दिए, बोले क्या बोलेंगे। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हम एक बात कहना चाहते हैं, स्वागत है। रामविलास पासवान के देहांत के बाद यही मोदी जी ने उनके तमाम सामानों को सड़क पर फेंक दिया और चिराग जी ने शपथ लिया कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। कौन ऐसी परिस्थिति आई कि आज वो हनुमान बन के घूम रहे हैं? हमें शर्म लगता है, सुनिए ना, मुझे शर्म लगता है हमारे जी यहां से प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं और उनका ये आचरण, उनको स्वाभिमान के साथ त्याग देना चाहिए मोदी के साथ। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि घोटाला दूसरे दलों ने किया, मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, 700 कुछ जिला पूरे देश में है, 650 जिला में इन्होंने अपना कार्यालय बनाया है, एक एक कार्यालय में 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। हाजीपुर में भी कार्यालय बना है 3 कट्ठा जमीन पर और उन्होंने 1 बीघा जमीन हड़पा है, ये पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आया? जी जी ठीक है। अब देखिए पहला वाला जो सवाल इन्होंने किया कि सामान फेंक दिया था, मान अपमान, ये सब चीजें हैं ना सर, आप हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं राजनीति में। मैं एक ही सेंटेंस कहता हूं, मैं ज्यादा तो नहीं जानता क्योंकि मुझे राजनीति में कोई भी रुचि नहीं है, लेकिन मजबूरन मैं सवाल पूछना ही पड़ता है, मैं ज्यादा जानता भी नहीं राजनीति। और वो ज्यादा नहीं जानता, ये जो मान अपमान सम्मान गद्दी कुर्सी मुकुट गदा छड़ी इस जाओ भतीजा और चले जाओ चाचा, ये नहीं होता। अरे साहब किससे पूछे लोग हैं उनसे सवाल है, छेओ से। जी जी जी, क्योंकि रामविलास पासवान जी छेओ के साथ रहे हैं हाजीपुर में। एक बार बैठ जाइए, हम जिनविन हम लोग हाजीपुर के बसिंदा हैं। हाजीपुर में ना अस्पताल है, ना कॉलेज है, ना स्कूल है, यहाँ से पलायन करना पड़ता है। यहाँ से शहर के 2 प्रमुख व्यक्ति अस्पताल के वजह से मरे थे, विपिन चौधरी और बबलू श्रीवास्तव। हाजीपुर में डेंगू हुआ, कोरोना हुआ, कहाँ था कोई नेता? एक केवल अभेद सिंह कहते थे हम लोग का मदद की है और कोई नेता मदद नहीं किया। नहीं 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 थे, नहीं थे, अभी का बिहार ने कमाल कर दिया। अप्पा जी क्या बात है, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे मेरे मौला वक्त छोड़ से ब्रेक का ब्रेक। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो। पूरी दुनिया में मशहूर सोनपुर का मेला, और अगर आपको हाथी लेना हो तो सोनपुर में मिल जाएगा। खड़े हुई है, अगर खड़े हुई है, अगर हाथी लेना हो तो मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, मेला के समय में ही मिलेगा। हाँ हाँ, तभी मतलब हाथी मिल जाएगा, हाथी भी मिल जाएगा, घोड़ा भी मिल जाएगा। अब गधा? गधा नहीं मिलेगा।